अस्सलाम वालेकुम। अगर आपकी जेब में सिर्फ 30,000 रुपए हैं, आपके पास वक्त भी है और अपना कारोबार भी करना चाहते हैं, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया और बिल्कुल सही जगह पे आ गए। आज का बिजनेस बिल्कुल यूनिक, नया, बिल्कुल डिफरेंट, ऐसा बिजनेस आइडिया आज से पहले आपको यूट्यूब पे किसी ने नहीं दिया होगा। और जब तक आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस बिजनेस में सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद आपने इसमें बार बार इन्वेस्ट कुछ नहीं करना, फिर सिर्फ कमाई ही कमाई होने जा रही है। तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपने चले जाना है अपने लोकल मार्केट में, किसी मोबाइल मार्केट में या कंप्यूटर मार्केट में। वहां पर जाके आपने एक सेकंड हैंड प्रोजेक्टर ढूंढना है, कौन सा प्रोजेक्टर जिसमें आप कुछ चलाते हैं और वो स्क्रीन पे बड़ा करके दिखा। जहां से आपको प्रोजेक्टर मिलेगा वहीं से आपको एक पोर्टेबल स्क्रीन मिल जाएगी। ये दोनों चीजें आपने सेकंड हैंड लेनी है, नहीं लेंगे तो बहुत महंगी पड़ेगी। सेकंड हैंड अगर आप लेते हैं तो मेरे हिसाब से 10,000 रुपए के बजट में आपकी ये दोनों चीजें आ जानी चाहिए। ये दो चीजें परचेज कर लेने के बाद आपने चले जाना है मार्केट और वहां से आपने खरीदना है एक अदद 200 वाट का सोलर पैनल और एक अदद बैटरी। ये दोनों चीजें मेरे हिसाब के मुताबिक आपकी 15,000 रुपए के अंदर अंदर आ जानी चाहिए। और उसके बाद आपने ले लेना है एक अदद स्पीकर या साउंड सिस्टम, जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह इजीली कैरी कर सके। मार्केट में इस वक्त 5,000 रुपए के राउंड अबाउट आपको बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगा। तो 30,000 रुपए के बजट में आपका बिजनेस के तमाम इक्विपमेंट्स तैयार हो चुके हैं। लेकिन ठहरिए, ये तो हमने जिक्र ही नहीं किया कि हम कारोबार क्या करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं सोलर पावर्ड मोबाइल सिनेमा के बारे में। अब ठहरिए, सिनेमा का नाम सुनकर परेशान मत होइए, हम एजुकेशनल सिनेमा की बात कर रहे हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट और नए अंदाज से होने जा रहा है। यहां तक हमारा टोटल खर्च 30,000 रुपए हो चुके हैं और हमारे तमाम बिजनेस इक्विपमेंट्स भी रेडी हो चुके हैं। अब हम अपने असल बिजनेस की तरफ बढ़ते हैं। आपने मुख्तलिफ स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके वहां पे बच्चों को एजुकेशनल वीडियोस, कार्टून्स वगैरह दिखा के अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस से किस किस तरह से पैसा कमाया जा सकता है, किस किस तरह से ज्यादा लोगों को अपनी तरफ मोटिवेट कर सकते हैं, मुतवज्जो कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा जगहों पर ये बिजनेस कैसे कर सकते हैं, ये हम अभी आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने अपने एरियाज के प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में जाना, वहां पर जाके आपने स्कूल के स्टाफ के साथ ये डिस्कस करनी है कि जनाबे मन, मेरा बिजनेस है, मैं बच्चों को एजुकेशनल कार्टून्स, वीडियोस और मूवीज दिखाता हूं और उसको एवज उनसे चार्ज करता हूं। अब स्कूल वालों को इससे क्या लेना देना, वो आपको क्यों इजाजत दें? वो इसलिए आपको इजाजत देंगे कि आप उनको ऑफर करेंगे ठीक ठाक परसेंटेज, आप उनसे 20%, 25% या 30% तक उनको ऑफर कर सकते हैं कि जितने भी टिकट्स सोल्ड होंगे, जितने भी बच्चे देखेंगे, उनका 20-25% जो भी बनेगा वो मैं आपको यकमुश्त दे दूंगा। यह सुनने के बाद कोई भी स्कूल आपको बड़ी आसानी के साथ अपने बच्चों को एंटरटेनमेंट वीडियोस और एजुकेशनल कार्टून वीडियोस दिखाने के लिए बिल्कुल मान जाए। वैसे अगर आप चाहें तो यही बिजनेस मॉडल बड़ों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कैसे? तो सबसे पहले तो मेरे भाई, आपने हफ्तावार शेड्यूल बना लेना है कि आज के दिन मैंने फला जगह पे जाना है, आज के दिन फला जगह पे, आज के दिन फला जगह पे, और उसी हिसाब से आपने पहले से उस स्कूल को या जिस देहात में हम जाना चाहते हैं वहां पे पहले से इन्फॉर्म कर सकते हैं कि फला दिन आपके गाँव में फला टाइम पे फिल्म दिखाई जाएगी सिनेमा पे, जहाँ पे आप मुख्तलिफ लोग अपने टिकट्स लेके वहां पे बैठ के मूवी एंजॉय कर सकते हैं, आप लोगों को एंटरटेन करके अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। लेकिन पैसा कैसे बनेगा भाई, और किन किन तरीकों से पैसा बन सकता है? तो जैसा कि स्टार्ट में मैं आपको एक बात तो बता चुका हूँ कि आप किसी भी स्कूल को जाकर परसेंटेज ऑफर करेंगे तो आपको बिल्कुल वहां पे मिनी सिनेमा लगाने की और बच्चों को एंटरटेनमेंट करने की इजाजत भी दे देंगे, और वहीं से आपको फर्नीचर भी बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगा, आपको कहीं से फर्नीचर अरेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप प्राइवेट और बड़े लोगों को और देहात के लोगों को मूवीज दिखाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप लोकल टेंट सर्विस जो होते हैं उनसे चेयर्स अरेंज कर सकते हैं। आप अगर उनसे रेगुलर उनके कस्टमर बन जाते हैं, उनके साथ बात कर लेते हैं, तो 20-25 रुपए में आपको एक चेयर बड़ी ही इजीली मिल जाती है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप वही चेयर 100 रुपए में सेल करें आगे फी टिकट 200 रुपए में, 250 रुपए में या 300 रुपए में, ये आप पे और उस एरिया पे डिपेंड करेगा जहां पे जाके आप ये काम शुरू करना चाह रहे हैं। लेकिन यहीं पे मैं आपको एक और बड़ी जबरदस्त और मजे का टिप देता चलूं कि जिस एरिया में आप जाके ये काम करना चाह रहे हैं, जैसा कि हमने पहले बात की कि आप स्कूल के स्टाफ को परसेंटेज ऑफर कर सकते हैं, इसी तरह से आप जिस देहात में जाना चाहते हैं उस देहात में जाने से पहले वहां के कुछ दो नौजवान यंग लड़कों को अपने साथ मिलाए और उनको परसेंटेज ऑफर करें कि वो लोगों को आपकी तरफ मुतवज्जो करें। एक तो वो सब कुछ ऑर्गेनाइज करने में आपकी हेल्प करेंगे, लोगों को इकट्ठा करने में हेल्प करेंगे, टिकट्स बेचने में हेल्प करेंगे, जिसके एवज आप उनको थोड़े से पैसे दे देंगे, तो बड़ी ही खुशी के साथ और बड़े ही जबरदस्त तरीके के साथ आपका पूरा सेटअप उस देहात में वो चंद लोग, जो 2-3 लोग आपने अरेंज किए होंगे, वो अरेंज करवा देंगे। आप हर मुख्तलिफ देहातों में जाके मुख्तलिफ लोगों को अरेंज करके इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम्स करके अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं।
अब इस छोटे से बिजनेस से ज्यादा पैसा कैसे बनाया जा सकता है? सबसे पहले तो ये है कि आपकी जो सिटिंग अरेंजमेंट है आप तीन तरह की बना सकते हैं। आप सोफा वाली चेयर्स लगा सकते हैं, वो भी टेंट सर्विस वालों से मिल जाती है। उसके पीछे आप आम चेयर्स लगा सकते हैं और उसके बाद आप कलीन बिछा सकते हैं और तीनों मुख्तलिफ सीट्स के मुख्तलिफ किस्म के चार्जेस ले सकते हैं। सोफा वालों से अलग चार्ज लें, कुर्सी वालों से उससे कम और कलीन पे बैठने वालों पर सबसे कम पैसे चार्ज करें तो आपके ठीक ठाक पैसे बन जाएंगे। उसके बाद आप उस लोकल एरिया के बिजनेस मैन को टारगेट करें और उनको बताएं कि मैं आपके इलाके में ये बिजनेस करता हूं जहां पे 100, 200, 400 लोग रोजाना की बुनियाद पे आके मूवीज देखते हैं। तो अगर आपके बिजनेस का उसमें एड चला दूं तो कैसा रहेगा? पूरा हफ्ता में जगह जगह पे मुख्तलिफ देहातों में जाता हूँ, वहां पे मुख्तलिफ देहातों के लोग आके बैठते हैं और देखते हैं। उनके दरमियान जब आपका एड चलेगा, आपकी दुकान का इश्तिहार चलेगा, आपके बिजनेस का इश्तिहार चलेगा, तो यकीनन आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो आप मेरे साथ मिलकर स्पॉन्सर करें, मैं आपके वीडियो जो है, आपके एड जो है उस मूवी के दरमियान लगा दूंगा, तो इस तरह से भी आप पैसा कमा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि वहीं पे आप अपने छोटे मोटे स्टॉल्स भी लगा सकते हैं जहां पे आप लोगों को खाने की चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ स्नैक्स, कोई पॉपकॉर्न, कोई ऐसी खाने पीने की चीजें भी बेच सकते हैं जिससे आप तीसरे तरीके से भी पैसा बना सकते हैं। ये वो तमाम तरीके थे जिनके जरिए से आप इस छोटे से बिजनेस से बहुत सारे तरीकों से पैसा कमा सकते हैं। अब आप इस बिजनेस को किस तरह से लेते हैं और इसको मजीद कैसे बेहतर बना सकते हैं, कॉमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। आपको बिजनेस आइडिया कैसा लगा यह भी कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।